पर बंधु इस समय ये सेवक अपने बुजुर्गों के जीवन प्रकाश के बारे में बताना चाहेगा। सब बुजुर्गों के बारे में तो जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक अपना अनुभव है, मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह के विषय में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। मौलाना फजल अहमद खान साहब लाला जी महाराज महात्मा रामचंद्र जी महाराज के गुरुदेव थे। आप रायपुर तहसील कायमगंज उत्तर प्रदेश के निवासी थे। फतेहगढ़ की एक मस्जिद में मकतब में मुर्शिद का काम करते थे। मौलाना साहब एक फकीर थे, बहुत ऊंचे महात्मा थे, जाति पाति संप्रदाय दिखता से बहुत ऊंचे थे। सच्चा अध्याप एक ही रिश्ता जानता है, आत्मा और परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानता। लाला जी महाराज परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज आपके संपर्क में आए, वे कैसे? जहां आप रहते थे मस्जिद में मकतब में, आपके पास ही लाला जी महाराज ने कोठरी पढ़ने के लिए किराए पर ले रखी थी, और अक्सर उसमें ही रहते थे। आते जाते लाला जी महाराज की मुलाकात मौलाना फजल अहमद खान से हो जाती, और ये बड़े अदब से सलाम करते और बड़े प्यार से उन्हें उत्तर देते। इसी तरह जान पहचान शुरू हुई। वह बड़े प्यार से लाला जी महाराज की तरफ देखते, सब प्रकार से आप मौलाना साहब का अदब करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लाला जी महाराज रात्रि में रिश्तेदारी में कहीं मिलने चले गए। माघ का महीना था, बड़ी सर्दी थी, बारिश हो रही थी, रास्ते में भीग गए और सर्दी से कंपकपाने लगे। जब लौट के आए तो किबला साहिब ने आपको देखा, इशारे से पास बुलाया, कहा और कहा, भाई कपड़े बदल लो और आके यहाँ सेक लो। मौलाना साहब ने अंगीठी जलाई हुई थी, आप रजाई ओढ़ कर बैठे थे। रामचंद्र जी महाराज ने कपड़े बदले, आकर वहाँ बैठ गए। आपने अपनी रजाई महात्मा रामचंद्र जी महाराज लाला जी के ऊपर डाल दी, कहा बेटे गरमा लो। लाला जी महाराज ने लिखा है कि उनका मेरे ऊपर रजाई का डालना था, मेरी दुनिया बदल गई, मेरा संसार बदल गया, मुझे दुनिया घूमती नजर आने लगी, दुनिया की सच्चाई मेरे आंखों के आगे घूमने लगी। उसके बाद आपने बहुत प्यार से कहा कि बेटा घर पर जाओ और सो जाओ, कल आओगे तो हमारे लिए एक डोल और रस्सी लेते आना, हमारी जो रस्सी है वह टूट गई है, डोल भी खराब हो गया है। आप घर गए
वहाँ से दुकानदार के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें एक डोल और रस्सी चाहिए, वे आप दे दें और हम पैसा पहली तारीख को दे देंगे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। दुकानदार बोला कि कोई बात नहीं, आप पैसा पहली तारीख को दे दीजिएगा, डोल और रस्सी आपने ली, घर में रखा और सो गए। रात को उन्होंने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसको चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, रोशनी ही रोशनी थी। एक तख्त पे विराजमान देखी, मौलाना फजल अहमद खान आपको उनके सामने पेश कर रहे हैं। वे बहुत खुश थे। सुबह होते ही आपने डोल और रस्सी ली, डोल में पानी भरा, ले आए और मौलाना साहब के यहाँ जाकर रख दिया। आप बहुत खुश हुए। उन्होंने ये सपना सुनाया तो कहने लगे, ये सपना नहीं है, असलियत है, तू जन्म से ही सिद्ध है और मुकम्मल है, दुनिया को सच्ची रोशनी दे। लेकिन आप जानते हैं कि अटल विश्वास बड़ी मुश्किल से होता है। बावजूद सारे अनुभव होने के, सारी बात होने के, अटल विश्वास अभी तक ना हो पाया था। और एक बार क्या हुआ कि आपके कुछ साथी गंगा स्नान करने जा रहे थे, आपको भी वहाँ ज़बरदस्ती ले गए, स्नान किया, वहाँ भांग बनाई गई और ख़ास और साथ ही इन्हें मजबूर किया पीने के लिए। इन्होंने कहा, भाई मैं तो पीता नहीं और ना ही पीऊँगा। जब नहीं पिया तो दोस्तों ने कहा कि बड़ा भगत हो गया, महात्मा तो देखो। और उसके बाद साथियों ने, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने टांग पकड़ी और कहा, डाल दो इसके मुंह में। कैसे नहीं पिएगा जब ज़बरदस्ती करने लगे? तो इन्होंने अपने पीर का हृदय से ध्यान किया, अजल्लाल में आ गए और फिर सबक सब छोड़ कर भाग गए। इनके चेहरे पे दाढ़ी हो गई, सब डर गए। ये उठे और घर की तरफ चले। रास्ते में स्वामी ब्रह्मानंद जी मिल गए और सब हाल कह सुनाया। तो आपने कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छे जगह पहुंच गए हो। वे बहुत ऊंचे संत हैं, परम संत हैं। ये ख्याल मत करना कि वे मुसलमान हैं। सच्चा संत इन सब बातों से बहुत ऊपर होता है। लगे रहो और लग लिपट कर ये विद्या हासिल कर लो। ब्रह्म विद्या है, बहुत ऊंची विद्या है। और ये बहुत ऊंचे संत हैं, बड़े, बहुत बड़े। ये आश्वासन स्वामी ब्रह्मानंद जी ने दिया, तब उनका भ्रम दूर हुआ। जब घर पहुँचे बहुत खुश हुए और बोले, ऐसे मौके पर ऐसा ही बरतना चाहिए, अल्लाह सबकी मदद करता है। किबला साहब ने पहले ही साल में आपको इजाज़त खिलाफत दे दी कि आप हमारे मिशन का काम करें, लेकिन आप अपने गुरु के सामने कैसे करते, बावजूद कहने के भी नहीं कि इतना अदब माना, इतना कितना ही कहा लेकिन नहीं किया। कहते हैं कि हजूर के सामने कैसे करें, करते तो आप हैं, मैं तो नहीं। इतना अदब माना और उन्होंने इतना अदब निभाया। 16 साल तक साथ रहे। उन्हीं दिनों एक पीर साहब थे, उनके यहाँ बहुत से शिष्य जाते थे। अभ्यास करते करते एक शिष्य का आग्रह चक्र जागृत हुआ, तो उस समय उसने, उसे औरत का ख्याल हुआ और उसी हालत में आज्ञा चक्र जागृत हो गया। तो उसे हर जगह औरतें ही औरतें नज़र आने लगीं,
वह इधर उधर पागल सा दौड़ता था, पागल सा हो गया था। उसके रिश्तेदार ने उसे इधर उधर दवा कराने के लिए ले जाने लगे। किसी ने कहा कि भाई मौलाना फजल अहमद खान साहब कुतबे वक्त हैं, बहुत ऊंचे फ़कीर हैं, उनके पास ले जाओ। ले गए। उन्होंने कहा ये पागल नहीं है, ये बीमारी रूहानी है, इसका इलाज मुंशी रामचंद्र जी फतेहगढ़ के पास है, वह इसका इलाज करेंगे, वहीं ले जाओ। एक चिट्ठी लिख दी और ये भी लिख दिया कि क्या करना है, और कहा कि आप जाओ वहाँ से, वे ही इसका इलाज करेंगे। उस पागल को वहीं बांध कर ले गए। महात्मा रामचंद्र जी महाराज के यहाँ दरवाज़ा खटकाया, आप बाहर निकले, कहा कि इलाज के लिए आए हैं। तो आपने कहा कि मैं वैद्य नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। उन लोगों ने कहा कि हम तो जानते नहीं कि आप वैद्य हैं या फ़कीर, हमारे पास तो ये चिट्ठी है, चिट्ठी पढ़ लो। चिट्ठी पढ़ी, मौलाना साहब की थी, माथे से लगाई, उन्हें घर में बैठाया, बैठा कर तवज्जो दी और कहा कि इसके हाथ खोल दो, जंजीर खोल दो। उसके बाद अपने अपने घर से अपनी बिटिया को बुलवाया। पहले वे पागल की तरफ पागल की तरह दौड़ता था स्त्रियों की ओर, अब वह दौड़ा नहीं। 3 दिन में उसकी जो वासनाएं थी साफ़ कर दी, साफ़ करके उसका हृदय परमात्मा से लगा दिया, अल्लाह का प्यारा हो गया, भगवान का सच्चा भजन करने लगा। सब ने कहा बहुत छिपे रुस्तम हैं, जाहिर नहीं है, कमाल का फ़कीर है। पागल को ठीक कर दिया। मौलाना फजल अहमद खान साहब के पास यही अकेले हिंदू थे जो जाते थे, बाकी सब मुसलमान भाई आते थे। इतना ऊंचा व्यक्तित्व था मौलाना फजल अहमद खान साहब का कि एक दिन और हिंदू भाई गए, उन्होंने वही मुसलमानी पोशाक पहनी पहनना शुरू कर दिया, मुसलमानी ढंग से रहना शुरू कर दिया। मौलाना साहब ने ये बात देखी तो बोले कि देखो भाई, मैं अपनी फकीरी पर दाग नहीं लगाऊंगा, आप मेरे काम के नहीं, चले जाओ, भगा दिया। पर इन पर वे बहुत खुश थे, इतना अदब ये करते थे अपने पीर साहब का, गुरु महाराज का, कि जब मौलाना साहब सामने जाते तो 2 जानू होकर बैठते। जब तक वहाँ रहते, अल्लाह की याद में रहते, भगवान की याद में रहते, भगवान की याद में रहते, एक क्षण को भी परमात्मा की याद से गाफिल नहीं होते थे, और कभी भी उन्होंने अपने गुरुदेव को पीठ नहीं दिखाई, इतना उन्होंने अपने गुरुदेव का अदब किया। और मौलाना साहब ने कहा कि मैंने आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं पाया, इतनी तारीफ आपने की। धीरे धीरे रोशनी पैदा हो जाती है, जब चिराग जल जाता है रोशनी अपने आप प्रकट होने लगती है, पतंगे आने लगते हैं, शमा जागृत हो जाती है। तब लोगों ने देखा कि किबला साहब ने अपनी सारी रूहानी दौलत आपको सौंप दी है। तो कुछ मुसलमान भाइयों ने जो इनके हैं आते थे, उनके शिष्य थे, मौलाना साहब ने कहा कि हमें मालूम होता कि आपने अपनी सारी रूहानी दौलत मुंशी जी महात्मा रामचंद्र जी को दे दी, लेकिन हमारी आपसे एक प्रार्थना है, और ये है कि आप इन्हें कम से कम मुसलमान तो बना लें। इस पर मौलाना फजल अहमद खान साहब ने खान साहब रो पड़े। कितना उनका बड़प्पन था, कितनी उनकी ऊंचाई थी, आप अंदाज लगाइए, आप इनकी महानता का अंदाज नहीं लगा सकते। उनकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे कि ये मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी भाषा एक है, मेरा मज़हब एक है, मेरा रहन सहन एक है, लेकिन अफसोस है कि आप में से एक भी हिंदू मुसलमान के छोटे दायरे से नहीं निकल सका। ऐसा
एक भी नहीं हुआ जो मज़हब के छोटे दायरे से बाहर निकला हो, ऊपर उठता हो और रूहानियत के दायरे में कदम रखता हो। मुझे अफसोस है कि आज वह पात्रता पैदा न हुई। ये अजीज है, एक ही रिश्ता जानता है, आत्मा परमात्मा का ये हकदार है। वह सब नाखुश होकर चले गए। जब महात्मा रामचंद्र जी महाराज को ये पता लगा तो वो गए अपने पीर साहब की खिस्मत में, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आपकी बदौलत आज मुझे सच्चा ज्ञान, सच्ची रूहानियत हासिल हुई है। मुझे अब गायत्री और कलमे में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर आप मुझे हुक्म दें तब मैं कलमा पढ़ा करूं। आपने फरमाया, अल्लाह ने जिस कुल में, जिस मज़हब में आपको जन्म दिया है, उसी कुल में रहो, उसी मज़हब में रहो, उसी को अच्छी तरह निभाओ। निभाते हुए ये जो मेरा मिशन है सच्ची रूहानियत का, दुनिया में फैलाओ, दुनिया में ले जाओ। कितना ऊंचा वह संत था, कितना ऊंचा वह फकीर था, आप अंदाज नहीं लगा सकते। उनके कुछ शिष्यों ने बहुत सी हरकतें की, उनके मकान पर पत्थर फेंकने लगे, तरह तरह से तंग करने लगे, यहाँ तक कि शहर छूट गया, दूसरे शहर में चले गए। लेकिन उन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी, सच्चाई पर बराबर कायम रहे। ऐसा उनका आदर्श था। हिंदू भाई जो उनके यहाँ जाते उनका इंतज़ाम अलग रखते, कहते वे हलवाई है, वहाँ जाओ भोजन करो और भोजन करके यहाँ आओ। सबके जज्बात का और सबकी हर बात का पूरा ख्याल रखते। ऐसा संत मिलना आज की दुनिया में दुर्लभ है। एक बार अयोध्या जी गए। अयोध्या जी के पास एक मकबरा है, वहाँ का जो मुजाविर है उससे जब ये पता चला कि ये बड़े ऊंचे संत हैं, फकीर हैं, कूतबे वक्त हैं, उन्होंने रात के 12 बजे वह उनके पास एक बही लेकर आया और उनसे प्रश्न किया कि आप अल्लाह के वास्ते मुझे बतलाइए कि इस मकबरे में कौन साहिब हैं और ये मकबरा किनका है। आप ध्यान में गए, ध्यान के आधा घंटे के बाद बताया कि भाई ये मकबरा नहीं है, ये तो समाधि है, एक हिंदू महात्मा की है। उसने दूसरा प्रश्न किया कि आप बता सकते हैं कि ये समाधि किसकी है। आप ध्यान में गए और बोले कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो चंद्रमा पर टकोर होती है, हो सकता है ये धनुष कोटि चंद्र नाम के महात्मा की समाधि है। मुजाविर के पास जो बही थी उसमें लिखा था। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।